पर आना चाहेंगे, क्योंकि भर्तियों का जिक्र भी मुख्यमंत्री ने अलग से किया। पहली बात उन्होंने ये कही कि 31 मार्च तक हजारों के करीब भर्तियां अब प्रदेश में कर ली जाएंगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट जहां पिछले कई वर्षों से भर्तियां नहीं हो पाई हैं और पद खाली चल रहे हैं, उन्हें भरने का काम सबसे पहले शुरू होगा। और यहां बेरोजगार युवाओं को उन्होंने संयम रखने के लिए भी कहा है। उनका कहना है कि देखिए, कर्मचारी चयन आयोग को भंग करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे मामलों में पेपर लीक होने की संभावना थी भविष्य में भी, इसीलिए पहले ही ये डिसीजन ले लिया गया कि क्यों ना इसे भंग कर दिया जाए और पारदर्शिता लाने के लिए अब राज्य चयन आयोग को बहाल किया जा रहा है। ये प्रोसेस यहां भी भर्तियों का जल्दी ही शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा संयम बेरोजगार युवा रखे, ये बात उन्होंने कही। और साथ ही साथ यहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी उन्होंने तंज कसा है कि पूर्व सरकार में पूरे 5 साल में ही 20,000 के करीब भर्तियां हुई हैं, लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा नहीं करेगी, बल्कि यहां हजारों भर्तियां 31 मार्च तक ही हो जाएंगी। उसके बाद किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी पद खाली रहने नहीं दिया जाएगा और भी नए पद क्रिएट किए जाएंगे। ये भी आज मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा हवाला दिया गया है। लेकिन फंसी भर्तियों को लेकर इन्होंने बड़ी बात कही है कि जल्दी ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग को जिम्मा दिया गया है कुछ एक पोस्ट कोर्स का रिजल्ट घोषित करने का, तो उसमें भी तेजी जरूर लाई जा रही है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बेरोजगार युवा रखें। GOIT पोस्ट कोड 817 पर देखिए, इन्होंने अलग से जानकारी दी है जिसमें मुख्यमंत्री का ये कहना था कि ये अभ्यर्थी भी परेशान ना हो, इनका रिजल्ट भी जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल बारीकी से हम GOIT 817 पर भी जानकारी लेकर आए हैं आपको। अब GOIT पोस्ट कोड 817 पर आना चाहेंगे क्योंकि काफी ज्यादा इंतजार अभ्यर्थियों में बना हुआ था। इंतजार ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये पूछना चाह रहे थे कि जो फाइल भेजी गई थी एक तरह से कार्मिक विभाग की ओर से लॉ विभाग को, उसका अभी तक क्या हो पाया है, और कानूनी राय लेने के लिए ही यहाँ ये फाइल भेजी गई थी, लेकिन अब ये वापस से पहुंच गई है कार्मिक विभाग के पास और लॉ विभाग की ओर से इसमें ये एडवाइस दी गई है कि देखिए, लगभग अभी इस मामले में 5 के करीब आरोपी बताए जा रहे हैं जिनके तार जुड़े हैं पेपर लीक मामले से, लेकिन अभी तक ये गुनहगार साबित पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं, इसलिए इन्हें परीक्षा से डिबार करना सही नहीं रहेगा। और दूसरी बड़ी बात इसमें ये भी लॉ विभाग की ओर से कही गई है कि अगर जल्दी ही रिजल्ट घोषित करना चाह रही है सरकार, तो ये भी जरूरी है कि 5 के करीब पद खाली छोड़ दिए जाएं और उसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, ताकि बाद में अगर ये 5 के करीब आरोपी गुनहगार साबित नहीं होते हैं तो फिर इन्हें भी नियुक्तियां दी जा सके। तो ये एक तरह से एडवाइस दी गई है। और दूसरी एडवाइस ये भी लॉ विभाग ने दी है कि अभी विजिलेंस ब्यूरो से भी चर्चा कर ले कार्मिक विभाग इसमें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि अभी जांच का दायरा और कितना ज्यादा बढ़ने वाला है या फिर विजिलेंस की ओर से अभी कब तक चार्जशीट दायर की जाएगी, तो इस पर जांच एजेंसी से जरूर जवाब लिया जाए। यानी कि दो एडवाइस हम कह सकते हैं जो कि दी गई है। तो इस मामले में क्योंकि ये अपडेट हमने पहले दे दी थी कि कार्मिक विभाग ने विधि विभाग को फाइल भेज दी है और अब विधि विभाग की ओर से जो आंसर सामने आया है, ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। इसमें उन 5 आरोपियों के बारे में पूरी तरह से चिंतन करने के लिए कहा गया है लॉ विभाग की ओर से कार्मिक विभाग को। ये इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में जब जांच पूरी हो जाए तो पता लगे कि इन 5 आरोपियों में कुछ एक ऐसे भी थे जो गुनहगार नहीं थे और यूं ही फंस गए हैं, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अभी जितने आरोपी हैं उतने पद खाली छोड़ दिए जाए और रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि इन्हें अभी डीबार नहीं किया जा सकता है परीक्षा से, इसे लेकर भी सख्त मना लॉ विभाग ने किया है। तीसरी बात कि एडवाइस ले ली जाए और एक तरह से ये सवाल कर लिया जाए विजिलेंस ब्यूरो से भी कि आखिरकार कितना ज्यादा समय अभी जांच के लिए और लगने वाला है, ये जानकारी लेना अब कार्मिक विभाग को काफी जरूरी है। हालांकि अभी देखिए मुख्य सचिव ही इस पर फाइनल फैसला लेंगे, अभी वो लौटे नहीं है, जैसे ही शिमला लौटेंगे तो आने वाले दिनों में इस पर फैसला ले लेंगे। और मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी क्योंकि आज GOIT पोस्ट कोड 817 का विशेष तौर से जिक्र किया है, उसके बाद हमें और ज्यादा तेजी कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में नजर आ रही है। हालांकि कारण इसका एक यही माना जा रहा है कि कुछ एक अभ्यर्थी जो कि सोलन में पहुंच गए थे और मुख्यमंत्री भी जब सोलन दौरे के दौरान थे प्रभावितों से मिलने के लिए, हालांकि मुख्यमंत्री तो गए थे लेकिन उस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने पोस्टर्स दिखाए थे CM को, जिसमें वो आग्रह एक तरह से कर रहे थे कि 817 का रिजल्ट घोषित किया जाए, तो उसका एक ये गहरा प्रभाव है कि तेजी अब इस मामले में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। प्रिंसिपल लिस्ट भी जारी